मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। डकैत अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं होते दोस्तों, बल्कि यहाँ आने के बाद जो जिंदगी वो जीते हैं, जिस परिवेश में वो रहते हैं, कहीं ना कहीं वो परिस्थितियाँ उनके डकैत बनने के लिए जिम्मेदार होती हैं। और ये बात पान सिंह तोमर पर शत प्रतिशत फिट बैठती है। पान सिंह तोमर जो एक बेहतरीन रनर थे, उसकी खेल भावना और एथलीट नेचर उसे हर कीमत पर जीतने के लिए इंस्पायर करता था। सेना में सूबेदार पान सिंह तोमर चंबल की घाटी से निकलकर देश का नाम रोशन कर रहा था, लेकिन उसके अपने घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां उसका इंतजार कर रही थी कि रिटायरमेंट के बाद उसे बंदूक उठाना पड़ा, और वो भी अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए। जब उसने अपने भाई की हत्या का बदला लिया तो एक साथ 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कैसे बना वो इतना खूंखार डाकू, आइए जानते हैं। आज के इस कहानी में पान सिंह तोमर की जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानियां हम सुनेंगे। मुरैना जिले का भिडौसा गांव भले ही बेहतरीन सड़कों से कनेक्टेड ना हो, लेकिन यहां के बीहड़ों से दौड़ता हुआ इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक तक पहुंचने वाला पान सिंह तोमर इस गांव की पहचान जरूर बना हुआ है। आज भी इस गांव में पान सिंह तोमर का नाम लोग बड़े सम्मान से लेते हैं। कहते हैं कि पान सिंह तोमर को दौड़ने का शौक बचपन से ही था। वो साल था 1949 जब पान सिंह तोमर अपने गांव से निकलकर फौज में भर्ती हुआ। पान सिंह तोमर ने फौज में रहकर स्टीपल चेज का अभ्यास करना शुरू किया और साल 1958 तक आते आते वो इस खेल में चैंपियन हो गए। इस खेल में पान सिंह पूरे 8 साल तक नेशनल चैंपियन रहा। लेकिन अब पान सिंह के पैर देश की धरती की सीमाएं लांघ कर विदेश की धरती पर भी देश का और अपना नाम रोशन कर रहे थे। पान सिंह तोमर वहां भी मेडल बटोर रहे थे। इंटरनेशनल लेवल पर करीब 30 मेडल देश के लिए जीतने वाले पान सिंह तोमर का नाम विदेशों में भी जाना जाने लगा। उस समय गाँव वाले भी पान सिंह तोमर की कामयाबी पर फूले नहीं समाते थे, लेकिन उसी गाँव में उसी के परिवार के लोग पान सिंह तोमर के हिस्से की खेती हर जमीन को अपने कब्जे में करके बैठे थे। शायद नहीं जानते थे कि पान सिंह तोमर केवल दौड़ना ही नहीं जानता, बल्कि बंदूक चलाना भी अच्छी तरह से जानता है। कि पान सिंह तोमर दिल का बहुत अच्छा था, वो ना किसी का खून बहाना पसंद नहीं करता, वो तो गांव आकर खेती बाड़ी करते हुए अपना जीवन बिताना चाहता था। लेकिन जब वो घर आया तो परिस्थितियां कुछ दूसरी ही थी। साल 1979 को पान सिंह तोमर फौज से रिटायर होकर अपने गांव आया। पान सिंह का एक बीघा खेत गांव के ही दबंग बाबू सिंह तोमर और जनरल सिंह के पास गिरवी रखा हुआ था। उन्होंने तय किया था कि पान सिंह अगर पैसे देगा तो खेत उन्हें वापस दे देंगे। पान सिंह ने पैसे देने चाहे और खेत अपना वापस लेने की कोशिश शुरू की, लेकिन वो लोग नहीं माने। पान सिंह तोमर ने कलेक्टर और एसपी के पास गुहार लगाई। कलेक्टर और एसपी खुद उनके गांव चलकर आए और कलेक्टर साहब ने ये निर्णय दिया कि पान सिंह तोमर पैसे देगा और बदले में ये लोग उसका खेत उसे दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पान सिंह तोमर जब पैसे लेकर उन लोगों के पास गया तो उन्होंने पैसे को पैर से ठोकर मारकर कहा कि हम एक कंकड़ भी नहीं देंगे। इसके बाद जमीन का ये विवाद धीरे धीरे गहरा होता चला गया। आपसी रंजिश दुश्मनी में बदलने लगी। पान सिंह तोमर का परिवार छोटा परिवार था। उसके परिवार में हथियार उठाने वाला पान सिंह भी इस बात को लेकर हमेशा डर के साय में रहने लगा कि कभी उसकी अनुपस्थिति में अगर दुश्मनों ने उसके घर पर हमला कर दिया तो क्या होगा। उन लोगों के पास 7 लाइसेंसी बंदूकें थी। हालात को समझते हुए पान सिंह तोमर ने एक बार फिर कलेक्टर के पास जाकर गुहार लगाई कि इन लोगों के पास जो लाइसेंसी हथियार है उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि इनसे हमारे परिवार को जान का खतरा है। इसके पहले कि कलेक्टर कुछ कर पाते, होली के मौके पर दुश्मनी की ये चिंगारी जो अब तक केवल सुलग रही थी वो अब धधकने लगी। दरअसल पान सिंह तोमर के बेटे हनुमंत सिंह को दुश्मनों ने घेर कर बुरी तरह मारा। इस घटना की शिकायत करने जब पान सिंह तोमर थाने पहुंचे तो थानेदार ने उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला, बल्कि उल्टा उस थानेदार ने ही पान सिंह तोमर को डपट कर भगा दिया। थानेदार ने पान सिंह की रिपोर्ट ही नहीं लिखी। इतना ही नहीं, दबंग अब पान सिंह तोमर का घर घेर चुके थे और वो घर की बहू बेटियों की इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे। हालांकि पान सिंह तोमर अब भी बात को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके परिवार का ही एक रिश्तेदार दुश्मनों के घर में घुस गए और बंदूक लेकर फायर कर दिया, जिसमें से दबंगों का एक व्यक्ति मौत की नींद सो गया, दूसरा घायल हो गया। इसके बाद तो उन लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। दुश्मनों ने पान सिंह तोमर का घर घेर लिया। पान सिंह किसी तरह हथियार लेकर वहां से भाग निकला। उनके परिवार के लोग भी अपनी अपनी जान बचाकर भागे और अब दर दर की ठोकरें खाने लगे। दबंगों ने घर की हर एक चीज को तहस नहस कर दिया, घर में आग लगा दी। आगे चलकर पान सिंह तोमर जब दोबारा अपनी दादी से मिला तो उसकी दादी ने उसे ललकारते हुए कहा कि सूबेदार तू कहा था, इससे तो अच्छा होता कि तू पैदा ही नहीं होता। देख, बाबू सिंह ने हमें बंदूक के बट से मारा है, अब तुझे कसम है कि बाबू सिंह सुबह का सूरज नहीं देखना चाहिए। दरअसल दबंगों ने जब परिवार के महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उस समय पान सिंह तोमर की दादी के साथ मारपीट भी की, जिनकी उम्र बहुत अधिक थी। पान सिंह तोमर इस बात का बदला लेने के लिए सीधे सीधे बाबू सिंह को
पान सिंह ने सुबह सुबह ही ढेर कर दिया। ये वही टर्निंग पॉइंट है जिसने एक फौजी, एक एथलीट और एक नेक दिल इंसान को डकैत बनने पर मजबूर किया। इसके बाद पान सिंह ने जनरल सिंह, हवलदार सिंह और नायक सिंह को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अब हरकत में आई जब गांव में पान सिंह तोमर ने लाशें बिछा दी और उसके दुश्मनों की चिताएं जलने लगी। पुलिस पान सिंह तोमर को ढूंढ रही थी। पान सिंह तोमर अब चंबल के बिहेड़ों में गुम हो चुका था। चंबल की धरती ने उसे एक नया नाम दिया, डाकू पान सिंह तोमर। जिस समय पान सिंह का जलवा हुआ करता था, उस समय के बड़े बड़े डकैत पूलन देवी और मलखान सिंह भी पान सिंह के नाम से खौफ खाया करते थे। देखते ही देखते पान सिंह तोमर चंबल की घाटी का सबसे बड़ा डकैत बन गया और उसे एक नया नाम मिला, चंबल का शेर। धीरे धीरे डाकू पान सिंह तोमर का नाम भोपाल की गलियों से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब BSF और SAF की 10-10 कंपनियां पान सिंह तोमर को ढूंढने के लिए लगाई गई, लेकिन पुलिस के तमाम इंतजामों को ठेंगा दिखाकर हर बार पान सिंह तोमर वहां से भाग जाता था। अब पुलिस पान सिंह तोमर के आसपास उसके मददगारों की तलाश करने लगी। दरअसल पान सिंह तोमर अमीरों को लूटकर गरीबों में माल बांटा करता था। वो गरीबों की मदद किया करता था, यही वजह थी किसी उसे लोगों का समर्थन भी हासिल था। इस समय पान सिंह तोमर के दुश्मनों की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। चंबल के बीहड़ में रहने वाले लोगों का तो ये भी कहना था कि पान सिंह तोमर चंबल का रॉबिन हुड था, लेकिन पान सिंह तोमर के भी कुछ उसूल थे। वो कभी भी किसी गरीब और निर्दोष को नहीं सताया करता। भले ही पुलिस पान सिंह तोमर को अपना दुश्मन मानकर चल रही हो, लेकिन पान सिंह तोमर ने कभी किसी पुलिस वाले को नहीं मारा। पान सिंह तोमर का मानना था कि पुलिस वाले तो हुक्म के गुलाम होते हैं, उनके पीछे उनका भी परिवार और बीवी बच्चे होते हैं, इसीलिए किसी की बददुआ नहीं लेनी चाहिए। जब भी पान सिंह तोमर के गिरोह का पुलिस से आमना सामना होता तो वो पुलिस पर हमला करने के बजाय बचकर भाग लेने में ज्यादा यकीन रखता। ये घटना साल 1981 की है जब पान सिंह का भाई मातादीन पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। इसके बाद पान सिंह ने एक बहुत ही तो खतरनाक कदम उठाया। उसने गुर्जर समुदाय के 6 लोगों को गोलियों से भून दिया। बस यहीं से पान सिंह तोमर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी समय पान सिंह तोमर ने एक गलती और कर दी और उसने सीधे सीधे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को चुनौती दे दी। सरकार ने अपने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को लगा दिया और उन्हें यह आदेश दिया, उन्हें किसी भी कीमत पर पान सिंह चाहिए था, जिंदा या मुर्दा। पुलिस को इस बात का यकीन था कि पान सिंह तोमर रतियन गांव में अक्सर रुकता है। 1 अक्टूबर सन 1981 को पुलिस को यह सूचना मिली कि पान सिंह तोमर गांव में आकर रुका हुआ है। इसके बाद पुलिस ने भारी पुलिस बल लेकर गांव में डेरा डाल दिया। रात के वक्त पान सिंह तोमर भागने के लिए घर से बाहर निकला और दूसरी तरफ से पुलिस फोर्स पान सिंह तोमर को ढूंढती हुई चली आ रही। दोनों का आमना सामना हुआ। पुलिस ने एक बार पान सिंह तोमर को सरेंडर करने की कॉल की, लेकिन पान सिंह तोमर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। पान सिंह को घेरे जाने की खबर जैसे ही फैली और बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचने लगे, कहते हैं कि करीब 10,000 की संख्या में पुलिस वाले उस क्षेत्र को घेर कर खड़े थे। रात के करीब 1:30 बजे पान सिंह तोमर को गोली लगी, लेकिन पुलिस को इसका अंदाजा नहीं हुआ। इस बीच पान सिंह तोमर ने अपने साथी से पीने के लिए पानी मांगा। अब पुलिस को यह एहसास हो चुका था कि उसे गोली लग चुकी है, लेकिन पान सिंह तोमर और उसके साथी सरेंडर करने के मूड में नहीं थे। फाइनली गोलियां चलती रही। 2 अक्टूबर सुबह सूबेदार और एथलीट पान सिंह तोमर एक डकैत की मौत मारा गया। तो आपको क्या लगता है पान सिंह तोमर के बारे में, आप क्या सोचते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।